रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और शेयर स्क्रीन कर दी है। अब मैं अपने बच्चों से ये चाहूंगी कि मेरे बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। मैं यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें और जिनको डाउट हो वही अनम्यूट करके मुझसे पूछ ले अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, जितने बच्चे आएंगे मुझे यहाँ दिखाई भी देते रहेंगे। अंकुश भी जुड़ गया, अच्छी बात है। चलिए तो हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारा जो माई एसक्यूएल का रिमेनिंग पार्ट था वो यही था कि फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें सेलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन और जॉइन, ये कुछ चीजें हैं जो हमें इसमें करनी है। तो सबसे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आदिति आप आ गई है, म्यूट योरसेल्फ। आई हाँ, गुड आफ्टरनून। आई रिक्वेस्ट माई ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिससे कि मैं क्लास प्रॉपरली ले पाऊँ, क्योंकि यही रिकॉर्डिंग भी अपलोड भी होगी। सिलेक्शन द सेलेक्ट ऑफ, देखिए हम ये सब काम कर चुके हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वी हैव डन ऑल दिस वर्क। हम इसे अपने प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, हमने जो बोर्ड क्वेश्चंस किए उसमें इसका यूज भी किया। लेकिन अब हम इसके थ्योरिकल नेम देख रहे हैं कि थ्योरिकल नेम कैसे इसका यूज किया जाता है, और इसे थ्योरिकल जब कहीं किसी क्वेश्चन के आंसर में प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करना है, वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है सिलेक्शन, जिसे जो प्रेजेंट किया जाता है वो सिग्मा के सिंबल से किया जाता है। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू मैथ्स और फिजिक्स से बिलोंग करते हैं तो वो इसको जानते हैं, और जो कॉमर्स के हैं वो मैथ्स में इसी को पहचानते हैं कि सिग्मा, अल्फा, यूनियन, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसके सिंबल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिलेक्शन सिग्मा को डिनोट करता है, और इसमें क्या आता है सेलेक्ट। अगर आपको पता हो तो सेलेक्ट हम कर चुके हैं, है ना। द सेलेक्ट ऑपरेटर इज अ सिग्मा सिंबल यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन टू चूज टपल्स दैट मीट द सिलेक्शन कंडीशन। इसका मतलब जो टपल्स हम ले रहे हैं, आप लोगों को मेरी वॉइस तो क्लियर है ना। यस मैम। यस मैम। तो जो यस मैम। टपल्स हम ले रहे हैं वो उसके जो सिलेक्शन करते हैं, जैसे आप निकालते थे ना सेलेक्ट चाइल्ड नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो जो सिलेक्शन पार्ट था वो कहलाया जाता है सिलेक्शन। क्लियर? तो ये तो बहुत इजी है। जैसे सिलेक्ट ऑपरेशन सिलेक्ट टपल्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1950। तो ऐसी क्वायरी आप बनाते हो, ये फाइंड एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन 1 जनवरी 1950। इस तरीके से आप क्वायरीज बनाते हो। तो पहला तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई सिंबल यूज टू चूज एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अ रिलेशन। पाई सिंबल होता है जो किसी एट्रीब्यूट्स को रिलेशन मतलब टेबल में से चूज करने के लिए यूज किया जाता है। This operator shows a list of those attributes that we wish to appear in the result. इसका मतलब operator जिन attributes को चाहता है उसके result में आए, वो केवल उन्हीं को दिखाता है और सबको क्या कर देता है, eliminate कर देता है, हटा देता है table में से। Syntax इसका इस तरीके से है, पाई attribute list relation। मुझे लगता है अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी रख रखा है आपके सामने। जैसे हमारे पास दो टेबल है, ये ध्यान रखिए कि ये सारी जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे ना रिलेशन में काम करते हैं। रिलेशन मतलब मोर देन वन टेबल पे या एक टेबल के मोर देन वन कॉलम के साथ काम करते हैं। क्लियर? तो इसमें देख लीजिए दे रखा है, इसमें प्रोजेक्शन कैसे यूज आएगा। आईडी, नेम, एड्रेस, हॉबी, एक का एक टेबल है, ठीक है। अब देखो इसमें सिलेक्शन का एग्जांपल दे रखा है कि पाई हॉबीज इज इक्वल टू स्टैम्प्स पर्सन, ठीक है। तो वो केवल हॉबीज का जो होगा स्टैम्प वाले होंगे उनको आपके सामने दिखा देगा। हम ये करते आए हैं, ये सिंपल क्वायरी थी। क्या ये क्वायरी सबको क्लियर है जो यहाँ हुई है? यस मैम। अब यहाँ पे देखिए, इसके राइट साइड पे
आपको दिखाई दे रहा होगा पाई, नेम चाहिए, हॉबी चाहिए पर्सन की। पर्सन टेबल में से हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए और हॉबी चाहिए, तो वो नेम और हॉबी को निकाल के दिखा देगा और को एलिमिनेट कर देगा। तो यही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डेफिनेशन में यही मिला है कि दिस ऑपरेटर शोज द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट वी विश टू अपीयर, जिसे हम चाहते हैं कि दिखाई दे, बाकी को एलिमिनेट कर दे। तो एग्जाम्पल में आपने देखा कि बाकी कॉलम्स एलिमिनेट हो गए। तो इसे हम अब तक कर रहे थे लेकिन हमें इसका थ्योरिकल नाम नहीं मालूम था। आज हमें इसका थ्योरिकल नाम पता चला है कि सिलेक्शन क्या होता है और प्रोजेक्शन क्या होता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों को। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यूनियन। मैम सिग्मा बता दीजिए एक और बार। सिग्मा सिलेक्शन के लिए। ओके। जो सिग्मा होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है। ठीक है जाविक, आपने थोड़ी सी लेट एंट्री करी। यस मैम। प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से बहुत ऑडियो में आवाज आती है तो और बच्चों को डिस्टरबेंस हो जाती है। हाँ ये ठीक है कि आपने क्वेरी करने के लिए अनम्यूट कर लिया, ऐसे ही कीजिए। इफ यू हैव क्वेरी देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी एंड देन म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अब हम यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का जो सिंबल होता है वो यू होता है एंड इंक्लूड्स ऑल टपल्स दैट आर इन आर और इन एस। एलिमिनेट डुप्लीकेट टपल्स, क्या करता है, क्या एलिमिनेट कर देता है, ये डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट कर देता है और वो सारे टपल्स दिखा देता है जो दोनों टेबल्स में हैं। इज इट क्लियर कि यूनियन किस लिए होता है? कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो टेबल्स हैं और हम चाहते हैं कि इन दोनों टेबल्स का डेटा हमारे सामने आ जाए, तो वो दोनों टेबल्स का डेटा तो हमारे सामने आ जाएगा लेकिन जो उन दोनों में सेम होगा, कॉमन होगा, उसको वो एलिमिनेट कर देगा और एक ही बार शो करेगा। ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लिखा कैसे जाता है, आर यूनियन एस, मतलब आर की टेबल से एस की टेबल को मिलाया जाए। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए एक आर टेबल है जिसमें ए बी डी ई एफ ई है, 1 2 3 4 5 है, और एक और एस टेबल है जिसमें भी कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, कुछ टपल्स दे रखे हैं। जब मैंने लिखा आर यूनियन एस तो उसने क्या किया, देखिए ए को एक ही बार शो किया, दो बार था तो उसने एक ही बार शो किया। तो वही कहा है कि इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट टपल्स, मतलब दोनों टेबल में से जो डुप्लीकेट टपल्स होंगे उनको ये एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर विद मी। यस मैम। यस मैम। सो मैं अब आगे की तरफ बढ़ती हूँ। यूनियन का एग्जाम्पल हो गया, अब आ जाइए सेट डिफरेंस ऑपरेटर। मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है ना? यस मैम। ओके। यस मैम। अच्छा यहाँ तक ये जो तीन पॉइंट समझाए हैं, ये तीन पॉइंट तीनों सभी बच्चों को क्लियर हैं? यस मैम। ओके। यस मैम। अब आ जाइए डिफरेंस, सेट डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम लिखते कैसे हैं? देखो टेबल मैंने सेम लिया है, आर माइनस एस। द माइनस ऑपरेशन इंक्लूड्स टपल्स फ्रॉम वन रिलेशन दैट आर नॉट इन अनदर रिलेशन एंड सिंबलाइज्ड बाय द माइनस सिंबल। माइनस का सिंबल होता है ना, देयरफॉर आर माइनस एस वुड बी एक्सप्रेस्ड एस। रिजल्ट में जैसे आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा आर माइनस एस, इस तरीके से ये एक्सप्रेस किया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखकर और अच्छी तरह देखते हैं इसे। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, डिफरेंस आर है और एस है। तो अब जैसे मैंने लिखा पहले आर माइनस एस, तो वो क्या करेगा कि जो दोनों में नहीं है आर से एस को कंपेयर करेगा और जो दोनों में नहीं होगी उसको ले आएगा। और अगर मैं एस डिफरेंस आर करती हूँ, मतलब एस से आर को कंपेयर करती हूँ, तो जो नहीं होगा वो आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? हाँ जी आंचल, प्रेश, वेदांत, अपनी जरा वीडियो लगाइए, आपके चेहरे से पता चल जाता है मुझे क्लियर है या नहीं है, इसलिए मैं वीडियो लगाने के लिए कह रही हूँ, ऑडियो लगाने के लिए बंद कर मना कर देती हूँ। वीडियो इसलिए कि आपके फेस एक्सप्रेशन मुझे बता देते हैं कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। मैम इसमें ई क्यों आया ये समझ नहीं आया। हाँ जी
ये तो मैम कैंसिल हो जाएगा ना जब r माइनस नहीं बेटा क्योंकि उसकी दूसरी वैल्यू देखिए एक में 5 है एक में 4 है हाँ इसलिए आया वो ठीक है मैम ठीक है यस मैम तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया हाँ जी सभी बच्चे देव इज इट क्लियर यस मैम देव रिपीट कर दो रिपीट कर दूं yes, ma'am. देखिए डिफरेंस होता है डिफरेंस मतलब क्या है दोनों में का क्या बाकी है हाँ ना तो वो डिफरेंस को हम जो डिनोट करते हैं वो माइनस से डिनोट करते हैं तो अब जैसे हमारे पास एक टेबल है आर आर में ये टपल्स हैं हमारे पास दूसरी टेबल है एस एस में ये टपल्स हैं अब मैंने कहा कि आर से एस को डिफरेंस बताइए तो वो क्या देखेगा पहले उसने ए देखा उसे लगा ए तो दोनों कॉमन है फिर वो बी की तरफ बढ़ा उसे बी यहाँ नहीं मिला उसने बी लिख दिया ठीक है फिर डी की तरफ बढ़ा डी उसे यहाँ मिल गया उसने छोड़ दिया फिर ई एफ की तरफ बढ़ा एफ उसे यहाँ नहीं मिला उसने लिख दिया फिर ई की तरफ बढ़ा ई उसे यहाँ मिला लेकिन क्या था उसकी वैल्यू अलग लगी उसे एक कि एक में 5 है एक में 4 है तो उसने अपनी वाली वैल्यू को लिख दिया ठीक है okay, तो उसने अपने के बेस पर दूसरी टेबल से मैम वन क्वेश्चन मैम हाँ बोलो अभी मैम उसने अपनी वाली वैल्यू को क्यों लिखा क्योंकि वो आर से आप कंपेयर कर रहे हो ना इसलिए जब हमने x से कंपेयर किया तो उसने अपनी वाली वैल्यू को लिखा s को बेस मान के लिखा गया जो अच्छा, बेस अगर r माइनस s है तो r की वैल्यू आएगी s माइनस r है तो s बेस टेबल इस टाइम r है ना तो उसने अपनी टेबल को देखकर उससे कंपेयर किया क्या क्लियर है अब यस मैम तो मैं आगे बढूं रश्मि आगे बढूं यस मैम यस मैम ओके आज भी शायद अरविंद आया नहीं है मैम आ गया आ गया आ गया हम थोड़ा नेट का दिक्कत चल रहा है मैम चलता नहीं है स्लो चल रहा है हो रही है बेटा सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है इट्स ओके करते रहो काम करके भी मुझे देते रहो तो हमें तसल्ली रहेगी कि हाँ आप लोग कर रहे हो भाई देखो वर्चुअल क्लास लगने का मेन मकसद यही है कि हम फेस टू फेस हो जाए और कोई क्वायरी हो तो वो क्लियर हो जाए ठीक है तो अब तो क्लासेस भी दो ही हो गई हैं वीक में तो आई होप कि हो जाएगा और हमारा आज यूनिट 1 पूरा हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीक कल इसके असाइनमेंट करके नेक्स्ट वीक हम यूनिट 2 को पकड़ेंगे ठीक है यूनिट 2 लेके चलेंगे अब आ जाइए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का साइन आप लोगों के सामने है उल्टा यू द इंटरसेक्शन ऑपरेशन मैथ्स वाले से बहुत अच्छी तरह जानते होंगे द इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑन अ रिलेशन ए इंटरसेक्शन रिलेशन बी इज सिंबलाइज्ड बाय आर इंटरसेक्शन एस इंक्लूड्स टपल्स दैट आर ओनली इन आर एंड एस ठीक है उन टपल्स को दिखाना जो आर और एस में है पहले वाले में क्या था पहले वाले में जो नहीं थे वो दिखाया था है ना कॉमन को छोड़ता चला गया था और इस वाले में जो है वो दिखाएगा देखें कैसे करेंगे इंटरसेक्शन का एग्जांपल ये रहा देखिए आर टेबल और एस टेबल जो दोनों में है वो आउटपुट में आया है ठीक है आर इंटरसेक्शन एस तो ए दोनों में था ए आ गया डी दोनों में था डी आ गया क्या कोई डाउट है इंटरसेक्शन से नहीं है थैंक यू no, तो मैं आगे बढ़ सकते हैं इंटरसेक्शन no, के बाद में बहुत इजी है ना ये टॉपिक इससे रिलेटेड दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं और तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने रख रखे हैं अभी वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे और वो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने भी होंगे आफ्टर डूइंग दिस नोट्स ये नोट्स आप वीडियो में से ही अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद में वो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे विच वाज शेयर्ड बाय यू इन दिस वीडियो ओनली ओके कार्टेशियन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका बोर्ड में क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है यूनियन इंटरसेक्शन एंड कार्टेशियन इन तीन से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉपी में आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में आते हैं दो नंबर के दो या तीन नंबर के आ जाते हैं ये मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगी मैंने क्वेश्चंस भी ला रखे हैं आपके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन वाला साइन creates a relation that has all the attributes of R and S. सारे attributes R और S के, allowing all the attainable combinations of tuples, सारे combination भी बनाएगा उसके, from R and S in the result.
द नोटेशन यूज्ड इज एक्स, मल्टीप्लीकेशन वाला साइन जो आपका होता है हम एक्स से डिनोट करते हैं उसे, आर मल्टीप्लाई एक्स एस, ठीक है, ऐसे आर एंड एस इज अवर टेबल. अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने है, दिखाई दे रही है, एक आर की टेबल है एक एस की टेबल है. जब हमने उसका कार्टेशियन किया तो क्या हुआ, सारे पहले आर के आए, आर ने सारे उससे मल्टीप्लाई किया उसे, फिर बी के आए, फिर डी के आए, फिर ई के आए, फिर एफ के आए, दिखाई दे रहे हैं. टेबल को स्टडी कर लीजिए एक बार, टेबल क्लियर है, देखिए देखिए पहले ए को किया, ए वन ए वन, फिर ए ए टू, देखो बी टू करेगा, फिर बी थ्री करेगा, फिर बी फोर करेगा, मतलब सारे मल्टीप्लीकेशन करके आपके सामने लेके आएगा, जितनी भी बार कर सकता है वो, सारे जितने भी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट होंगे, जितने भी टाइम उसको को बोला गया है उतनी ही बार, टेबल के अकॉर्डिंग वो उतनी ही बार करके आपके सामने लेके आएगा, ठीक है. मैम ही समझ नहीं आया, ये समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, देखिए ए ए मल्टीप्लाई वन, आप टेबल को देखिए, आर में ए वन है, हमने उसे क्या कहा कि इसको इससे करे, तो ए वन ए वन ए वन ए वन फोर टाइम्स आए, फिर बी को देखिए, बी टू बी टू बी टू बी टू फोर टाइम्स आएगी, क्योंकि दो इसमें है, हाँ दो इसमें है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये एक बार इसको देखते हैं, क्रिएट्स आर मल्टीप्लाई एस, तो आर को एस से मल्टीप्लाई करेगा, ए को पहले ए वन से करेगा, फिर सी वन से करेगा, फिर सी टू से करेगा, मतलब इस एक को इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा सारे कॉलम से, फिर बी टू को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, फिर डी थ्री को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, एफ फोर को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, और उनको नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार लिखा होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करके आपके सामने लेके आएगा. क्लियर है, आई थिंक कार्टेशियन अभी क्लियर नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना कार्टेशियन. मैम आर इनटू एस और एस इनटू आर में बराबर ही होगा ना इस हिसाब से. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक ठीक है, हो गया आ गया समझ में. अदिति आ गई, आई हुई तो पहले से ही थी, अब उसकी आवाज आ गई. अच्छा ये जॉइन भी थोड़ा सा आ जाता है, द जॉइन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय द आर, एक्स को कैसे लिखा गया है ये देखिए, मल्टीप्लाई के साथ वो पाइप के सिंबल लिखे लगाए गए हैं, सिंबल एंड इज यूज टू कंपाउंड सिमिलर टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन इन टू सिंगल लॉन्गर टपल्स. जॉइन ऑपरेशन इज जनरली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन. जॉइन जो होता है वो बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्शन की तरह ही होता है, क्रॉस प्रोडक्शन मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. जैसे हमने कार्टेशियन किया था उसी तरीके से जॉइन भी होता है, लेकिन अब आपको कार्टेशियन और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. जैसे देखिए कॉलम ए कॉलम बी दो दे रखे हैं एक टेबल में, आर में, और एस में भी दे रखा है एस कॉलन ए एस कॉल बी, ये हमारी वो है टेबल है. उसके बाद में हमने जब आर जॉइन एस किया, लेकिन आर जॉइन एस में हमने क्या कहा कि आर में कॉलन ए को जोड़ दे, और किसको जो किसके बराबर है, एस में कॉलन ए के बराबर है. अगर आपको याद हो तो ऐसी क्वायरी भी हमने करी थी, तो ये है हमारी क्वेरी, आर डॉट कॉल ए इज इक्वल टू एस डॉट एस कॉल ए. मतलब आर में जो कॉल ए है, ये पहला कॉलम कॉल ए है, ये किसके बराबर है, एस कॉल ए के जो बराबर है, जो इन दोनों में बराबर है उसको ही ज्वाइन करे दोनों टेबल में से. क्या क्वेरी क्लियर हो गई? यस मैम. अचल? यस मैम. आंचल? यस मैम. ईशा? ईशा भी जुड़ गई है हमारे साथ. ईशा क्वेरी क्लियर हो गई बेटा? मैम एक और बार समझा दीजिए. देखिए वो ये कह रहा है कि आप याद कीजिए, ऐसी ना क्वेरीज हमने करी हैं अगर आपको याद हो तो, कि हम कहते थे कि जो रोल नंबर दोनों टेबल में है उन्हीं रोल नंबर को हमारे सामने शो करे, कहते थे ना. यस मैम. यस
ये वही है, उसको थोड़ा ध्यान करके इसमें ध्यान दीजिए कि R join S, R को S से join करे, लेकिन कंडीशन क्या दी कि R dot call A, मतलब R में से जो कॉलम A है वो किसके बराबर हो, S में से S call A के बराबर हो. S call A आपका कॉलम का नाम है और S आपकी टेबल का नाम है. तो S टेबल नेम डॉट S कॉलम नेम, डॉट से हमने इस कॉलम को इसके साथ जोड़ा है. तो समझ में आया कि R टेबल में से कॉलन A में जो S टेबल के S कॉल A के बराबर है वही आउटपुट आए. तो उसने वही आउटपुट आपके सामने दे दिया. और हमने अभी क्या बताया कि ये कार्टेशियन करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है. तो उसने क्या किया, ए वन इसका उठाया और ए वन इसमें भी है, ए वन इसका उठा दिया. तो दोनों का आउटपुट आपके सामने ले आया वो कि दोनों कॉलम में ये बराबर है. ऐसे ही फिर वो बी पे गया. बोलो मैम, एक चीज पूछनी है. तो मैम कार्टेशियन और जॉइन में फर्क क्या है? कार्टेशियन और जॉइन में ये फर्क है कि कार्टेशियन सबको कर रहा था. अच्छा, मतलब इसमें एक कंडीशन जुड़ जाएगी. एक जॉइन में आप क्योंकि दो टेबल को जॉइन तो कर रहे हो बट विद कंडीशन. ओके ओके, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? yes, समझ में आ गया. हाँ जी, आप कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये चीज क्लियर ना हुई हो? वेदांत क्लियर है? यस मैम. ओके, तो अब टाइप्स ऑफ जॉइन ये लास्ट है हमारा. बस इसके बाद में हमारा टॉपिक सारे थ्योरिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे. दो तरीके के जॉइन होते हैं, एक होता है नेचुरल जॉइन, एक होता है आउटर जॉइन. एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, कभी कभी इसको ये जरूर क्वेश्चन आ गया है कभी एक दो बार कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन, बस इतना ही आता है एक या दो नंबर का, अदरवाइज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉर्मल जॉइन में से आता है. जो क्वायरी होती है वो नॉर्मल जॉइन में की होती है, अदरवाइज इसकी ऐसी कोई क्वायरी नहीं आती. अब टाइप्स ऑफ जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड आउटर जॉइन. द जॉइन इन्वॉल्व्स एन इक्विलिटी टेस्ट, दस इज ऑफन डिस्क्राइब एज एन इक्वी जॉइन. सच जॉइंट्स रिजल्ट इन टू एट्रीब्यूट्स इन द रिजल्टिंग रिलेशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम वैल्यू ए. Natural join will remove the duplicate attributes. समझ में आ गया कि जो natural joins होते हैं, जो अभी हमने ऊपर किया वो natural join था, जो एक जैसी value होती है उसको ही दिखाता है. ठीक है, in most system a natural join will require that the attributes have the same name to identify the attributes. वो attributes जिनके same नाम है उन्हीं को हमारे सामने शो करता है. If you do not use natural joins, make sure that the relation do not have two attributes with the same name by accident. ठीक है? अगर natural join नहीं है तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उन दोनों की value same नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर same नहीं हुई तो वो outer join हो जाएगा. Outer join क्या होता है? Basically, outer join जो किसी पार्ट को ज्वाइन कर रहे हो किसी एक टपल में से भी, जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन. कभी नहीं आता इसका क्वेश्चन. फुल आउटर ज्वाइन कीप डाटा फ्रॉम बोथ टेबल्स, जो हम करते आए हैं. राइट आउटर ज्वाइन कीप डाटा फ्रॉम द राइट हैंड टेबल, कीप डाटा फ्रॉम लेफ्ट हैंड टेबल. अब आपको इससे ये क्लियर नहीं हुआ होगा जहां तक मैं मानती हूँ, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि क्लियर हो जाए. क्या क्लियर हो गया इससे किसी को? अदिति? ना, नहीं हुआ होगा. मुझे आप सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं इसलिए. कोई बात नहीं, ये देखते हैं अब. इसमें मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन का एग्जांपल दे रखा है कि अब जैसे मैंने किया आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस. ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, आर कॉल ए. अब आप देखिए कि उसने ए को ए से मिलाया, ए को ए से मिलाया, सेम वैल्यू थी तो उसने सेम वैल्यू रख दी. फिर डी को, अब बी उसके पास नहीं था छोड़ दिया, सी नहीं था छोड़ दिया. ठीक है, ये वाला देखते हैं हम, है ना. ए वन ए वन आ गया, बी नहीं था डी की तरफ बढ़ा, डी थ्री डी थ्री दोनों में था दोनों देख दिया. अब क्या था कि जो बच गए उसने आप फिर उनको दिखा दिया. पहले तो वो दिखाए जो सेम थे, जो दोनों में वैल्यू थी. ठीक है,
लेकिन जो बेस टेबल था उसके बाद में जो उसके पास बच गए वो दिखा दिए और यहाँ पे उसने खाली छोड़ दिया। मतलब अगर आप समझ में आ रहा हो तो ये देखिए कि उसने आर के बेस पर जो पहले ही टेबल थी उसके बेस पर उसने ज्वाइन तो किया, लेकिन पहले जो दोनों में कॉमन था उसको ज्वाइन कर दिया, उसके बाद में जो उसके पास बचा था उसको दिखा दिया। दिखाई दे रहा है? हाँ भाई सागर। yes, ma'am. क्या कुछ समझ में आ रहा है इसमें से? मैम पूरा समझ में आ गया। मैम पूरा समझ में आ गया। हाँ भाई हमारे सागर को समझ लेफ्ट में भी, राइट भी समझ में आ गया। राइट भी, अरे वो तो आ ही जाएगा, एक चीज समझ में आ गई तो दूसरी तो समझ ही आ जाएगी। मैम इसमें इसमें ये इसमें मैम ये है कि इसने जो है ना सेम चीज लेके उसके बाद जो बच गया ना उसको लेफ्ट में दिखा दिया है और राइट वाले में राइट में दिखाया है। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। हाँ भाई रश्मि यही तो करा है सर। हाँ हाँ यही किया, मैं कह तो रही हूँ सही कहा। समझ में आ गया डियर। हाँ जी अभिषेक वर्मा। Yes, ma'am. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. My dear daughter, Aditi and Isha. Yes, ma'am. Is it clear to both of you? Yes, ma'am. Okay. So, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे हमारी चीज खत्म हो गई। Full outer join देख लीजिए। सबको ज्वाइन कर दिया, जहां उसे खाली मिला उसे खाली छोड़ दिया, जहां उसे दोनों वैल्यू मिली उसकी दोनों वैल्यू दिखा दी। ठीक है, अब हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं और 10 मिनट में ये हमारी क्लास भी ओवर हो जाएगी क्योंकि आ गया है मैसेज, आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। देव कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं 10 मिनट में अपनी वो वर्ड की फाइल खोलने जा रही हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, ये एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे? हाँ भाई दिखाई दे रहे हैं? Yes, ma'am. दिखाई दे रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? हैं? Yes, ma'am. ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक है, यहाँ पे सब ठीक ठाक है। है ना सागर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन रीड कर रही हूँ जिससे कि आप जब ये इस वीडियो को दोबारा देखें तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इनके आंसर लिखें और ढूंढें इनके आंसर, चाहे कहीं से भी ढूंढें। नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ और नोट्स आपको मिल भी जाएंगे। मेरे इतने एक्सपर्ट बच्चे हैं कि उन्होंने तो अब तक RDBMS के सारे नोट्स निकाल भी मारे होंगे, है ना, और वो एक दूसरे के साथ शेयर बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन, डिफाइन द रिलेशन डाटा मॉडल, कर लोगे। What are the domains name possible in gender? ये भी आप लोगों को मालूम है कि कौन कौन से domain names होते हैं जो gender में हम लगा सकते हैं। Give a suitable example of a table with sample data. एक आपको example देना है। ये सारे board के questions हैं, इतना ध्यान रखिएगा। And illustrate primary and candidate की। कुछ तो कुछ में तो मैंने लिख भी दिया है कि board में कब आया है, कि अगर आप answer ढूंढ पाओ तो ढूंढ सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्डलिटी डिग्री ऑफ अ टेबल विद द हेल्प। बेटा मैंने बहुत सारी फाइल्स देखी हैं, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ लेके आई हूँ। ठीक है, तो मैंने इनके असाइनमेंट बनाने के लिए मेहनत करी है क्योंकि बहुत सारी फाइल खोली, कुछ टाइप किया, कुछ कॉपी किया, कि जैसे बोर्ड का क्वेश्चन था तो कॉपी किया, कुछ कहीं से टाइप किया, ऐसे करके मैंने ये बनाई है। इसलिए मैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर प्लीज मुझे देते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, टेबल को ऑब्जर्व करना और फिर इसमें कैंडिडेट की और प्राइमरी की बताना कौन कौन सी बन सकती है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये दो दो मार्क्स से क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द टेबल, टेबल ऑब्जर्व करो, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, और प्राइमरी की और कैंडिडेट की बताओ। इसमें ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है जिसमें डिग्री और कार्डलिटी बतानी है। ठीक है, बता दोगे इसको मैम व्हाट्सएप पे भेज देना? बेटा नहीं, वीडियो से देखनी है। अच्छा वीडियो, वीडियो, okay. हाँ वीडियो से देखनी है क्योंकि आप समझिए वीडियो से ही देखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की ऑफ टेबल विद द हेल्प ऑफ ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, ये भी देखिए CBSE का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैंडिडेट की विद द एग्जाम विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल। ये भी CBSE का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। सब दो दो मार्क्स से क्वेश्चन है। इस टेबल को ऑब्जर्व करो और प्राइमरी की और कार्डलिटी डिग्री बताइए। दो मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल अलजेब्रा। अभी आपको PPT में बताया है,
तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। ये भी 2014 दिल्ली 2014 में आउटसाइड दिल्ली के बोर्ड पेपर में था, और दिल्ली के मतलब हमारे सीबीएसई के पेपर में था जो आप लोगों के लिए आता है, और 2011 जो दिल्ली का पेपर होता है। अब मेरे पास 6 मिनट बाकी हैं, तो मैं फटाफट ये आपके सामने स्क्रॉल कर रही हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके सामने रहे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूनियन बिटवीन टू टेबल्स विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया है यूनियन का, और यूनियन क्या होता है ये भी बताया है, तो आई थिंक यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड का पेपर में आया हुआ है। इन द फॉलोइंग टू टेबल्स विद द यूनियन वैल्यू ऑफ स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू। ये दो टेबल है, अब इनके हिसाब से आपको रिलेशन बताना है, यूनियन वैल्यू बतानी है इन दोनों में। आई होप आप बता देंगे यूनियन वैल्यू को, जब पढ़ लेंगे आप तो उससे रिलेटेड आप इसका आंसर दे पाएंगे, उसका एग्जाम्पल स्टडी करके फिर इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर वन मैंने लिखा है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर वन है, और ये दिल्ली 2016 में आया हुआ है। ठीक है, ये दो टेबल है उससे मिलकर एक लिस्ट बनाई है। अब आप बताइए ये क्या है। ठीक है, बस आपको इतना ही आंसर देना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टूडेंट एंड इवेंट्स टेबल केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द आरडीबीएमएस ऑपरेशंस व्हिच विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट एज शोन इन लिस्ट, जो लिस्ट में शो हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर टू ये भी 3 मार्क्स का 2016 में ही आया हुआ है, कि इन दोनों को की टेबल को देख के बताइए कि रिजल्ट में कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा लगाया गया है, और इसकी डिग्री और कार्डेलिटी भी बतानी है ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट की डिग्री और कार्डेलिटी बतानी है। क्या इन सारे क्वेश्चन में से कोई टिपिकल था? कर लेंगे सभी क्वेश्चन 13, 14, 15 क्वेश्चन की ये एक बुकलेट है आपकी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, इसके साथ साथ कल मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, और एक बार ये वाला मैं आपके सामने गो थ्रू कर रही हूँ, केवल ऐसे ही जल्दी जल्दी ले जाऊंगी जिससे कि आप वीडियो में इसको देख पाए। आप चाहेंगे तो ये एक हफ्ते बाद आपके साथ शेयर होगी, पहले वीडियो को अच्छी तरह पढ़िए, वीडियो को देखिए और आंसर दीजिए। ये एक मैंने असाइनमेंट आप लोगों के लिए बनाया था जिससे मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद है? और इसमें मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लिख रखे हैं। आप देखिए मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं और उसके आंसर भी आपके लिए लिख के दिए। क्वेश्चन है, आंसर है। आप चाहेंगे तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आपकी हेल्प के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर उसका आंसर कैसे लिखते हैं, ये मैं आपके साथ आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई सागर जी, आपको चाहिए था ना? तो ये क्वेश्चन आंसर दोनों है। ठीक है, क्वायरीज के आंसर भी हैं, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। ये फाइल मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आई होप आज की क्लास का जो मेरा कंसेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट के साथ हमारा MySQL का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, फिनिश होता है। एक 10 मार्क्स का टेस्ट आप लोग दे चुके हैं और एक आपके लिए क्वायरीज का टेस्ट और आएगा। ठीक है, एक क्वायरीज का टेस्ट और आपके लिए आएगा। एक असाइनमेंट मैंने आपको आपकी इस वीडियो में दे दिया है जो 14 या 15 क्वेश्चंस का है, जिसमें सारे बोर्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। ये वाली फाइल शेयर हो जाएगी और कल हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट आप लोगों के लिए बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम प्रॉपर आपके लिए काम कर रहे हैं कि आप लोगों को। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट बना रखा है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिकल करके सॉल्व किया है। आप देख रहे हैं, सारा मैंने ये एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है, उसके क्वायरीज आंसर सब मैंने प्रैक्टिकल कर करके लिख कर डाले हैं। तो मतलब मैंने SQL पे पहले काम किया है, सारी क्वायरीज को प्रिंट किया है आप लोगों के लिए, और उसके बाद में अब आप लोगों के लिए इसके बाद में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं जो आप प्रैक्टिकल करके मुझे क्वायरीज दीजिए। ठीक है, दिस वी विल डिस्कस टुमारो, बट अप टू टुडे वी विल डू दिस वर्क। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 1 मिनट बाकी है तो सबको गुड बाय। मैं स्क्रीन शेयर करना अब स्टॉप शेयर कर देती हूँ। हम सब एक दूसरे से मिल लिए हैं, सभी एक बार वीडियो दिखा दें और बाय कर दें एक दूसरे को।
कल फिर मिलेंगे, कल लेकिन हम केवल अपनी क्वायरीज करेंगे, ठीक है? कल केवल हम अपनी क्वायरीज ही करेंगे, असाइनमेंट ही करेंगे जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीक अपनी नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय मम्मी, बाय बेटा, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, बाय बेटू, बाय डियर. कुछ चैट्स आई थी, यस मैम, बाय मैम, ओके मैम, अच्छा चैट्स बाय मैम, ओके मैम की हैं, ओके बाय डियर.